नमस्कार, आरएस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम साउथ इंडियन पाथेरी रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप पानी और गैस का फ्लेम हमने चालू कर दिया है। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है। इसमें हम कोकोनट ऑयल डालते हैं, हमारे पास नहीं है तो हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। पानी गर्म हो चुका है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चावल का आटा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 5 मिनट तक हम इसे ढक कर रखेंगे। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम ठंडा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। एक मिनट देखिए, हमने इसे ठंडा कर लिया है। थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेते हैं और इस तरह हम इसे मसलते हुए अच्छी तरह एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अभी भी ये बहुत गर्म है और इसे हमें गर्म में ही इस तरह हमें इसका डो तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है, और इसे फिर से हम चिकना कर लेंगे। ये डो हमारा तैयार है। अब हाथ में हम फिर से तेल लगाएंगे और इसके छोटी छोटी इस तरह लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरह हमें बिल्कुल चिकनी लोइयां बना लेनी हैं। इसी तरह देखिए, हमने सभी लोइयां बना ली है। अब हम इसमें चावल का सूखा आटा लगाएंगे और इसकी रोटी बेलेंगे। इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा बारीक बेली जाती है और इसमें हम सूखा आटा लगाते जाएंगे और इसकी रोटी तैयार करेंगे। हमने चावल का सूखा आटा लगाया है। देखिए, हमारा उंगलियां हमारी इस तरह पीछे से नज़र आनी चाहिए। इस तरह हमें इतना पतला बनाना है। इसी तरह हम सभी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे और सबको हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब तवा गर्म करेंगे। तवा गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और एक एक रोटी अब हम सेकते जाएंगे। देखिए, अब इसमें बबल्स आ गया है ऊपर में, तो अब हम इसे पलट देंगे और इसे हम इस तरह उलट पलट करके सेक लेंगे। इसे हमें इस तरह सफ़ेद ही रखना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, ऐसे सफ़ेद ही हमें रखना है इसी तरह। और ये बहुत पतला होता है तो जिसकी वजह से अंदर तक अच्छी तरह सिक जाता है, इसलिए हमें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह पक जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। देखिए, इसी तरह हम सभी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनके तैयार होती है। और ये आराम से फूल भी जाती है। ये एक तरीके से चावल की रोटी है। इसे साउथ इंडिया में पाथरी के नाम से जाना जाता है और बनाने का भी थोड़ा तरीका चेंज है। देखिए, इस तरह हमने बिल्कुल बारीक रोटी बना के तैयार कर ली है। इसे हमने आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में सर्व किया है। ये पाथरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।